शौक है, किसी को खाने का शौक है, किसी को खिलाने का शौक है, शौक ही होते हैं ना। हाँ, तो आज मैं भी नियत करता हूँ, मैंने भी शौक से नहीं सुनाना, तो आप भी नियत कर लें हमने शौक से नहीं सुनना। मैं भी इस नियत से सुनाऊंगा कि अमल करना है। आप भी इस नियत से सुनिए, अमल नहीं। लोगों ने अपनी अपनी ड्राइंग रूमों में बाकायदा तस्वीरें लगा रखी हैं। आज ये 2019 में ये आया था, ये 2018 में ये आया था, 2017 में ये आया था, 2015 में ये आया था। क्या खुदा का वास्ता इन चीज़ों से निकले भाई और अमल की तरफ आए। ज़िंदगी अमल से बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना। हुज़ूर शाह साहब ने तो कमाल ही कर दिया। सूफियों का अपनी मिजाज होता है, फरमाते हैं उठे अमल के होने ने नबेड़े किसे ने तेरी हालत। उधर अमलों पे बात खत्म होगी। तो आज रदी अमल जो है ना वो बड़ा कमज़ोर है। आज इरादा करके जाएंगे रदी हमने इंशाअल्लाह पर फजले निकाला जो है ना वो जो अमल कर रहे हैं। क्योंकि मेरे वाले सब 2.5 माह बीमार रहे क्योंकि मुझे को कैंसर था। अब कुछ प्रोग्रामों पे गया, कुछ नहीं गया, लेकिन इन 2.5 माह में मैंने सीखा बड़ा कुछ है। देखिए ना रही कि उलमा बैठे हैं, मैं नामों से आगा नहीं हूँ भाई। तिलावत हो गई, ना शरीफ भी हो गई। अब मैं कह रहा हूँ यार मेरे वालिद साहब को कैंसर है, बीमार है, मैं उनको छोड़ के नहीं आ सकता, तो फिर क्या तिलावत और नाथ से माफ़ नहीं होती? माफ तो हो गई है, लेकिन अब जो मुझे 2.5 माह में समझ आया उन्हें अंदर आला कि मेरा नहीं करा। तस्वीर देखी ही नहीं है कोई, उन्हें किस तरह लोगों को दसागे कि डॉक्टर सुलेमान आया थे निकलो यार जी उसे खुदा का वास्ता, ये दिखावा ये निकलो नीचे। मैंने 2.5 माह में ये सीखा है। गालियाँ खाई हैं मैंने लोगों से, और जैसे जलाली साहब कह रहे थे गालियाँ हमने भी बड़ी खाई हैं। अब बकायदा वो पिंडी का पीठ मौजूद है और इतनी गंदी गालियाँ थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने 2.5 माह में भैया क्या हो रहा है, तिलावत हो गई, नात हो गई, मैं कह रहा हूँ यार मेरे वालिद को कैंसर है, मैं नहीं आ सकता। बहरहाल इन बातों से निकले हैं, इन बातों से अपने अल्लाह और अपने अल्लाह के रसूल अलैहि सलातो सलाम को राजी करें। बड़ के मारने को जरूरी हमें भी बड़ी आती हैं, हम भी मदरसे में रहे हैं, वो बराबर खताबत हमें भी याद है, 12 तकरीरें हमें भी याद है, और जो शीले तकरीरें जनाब सारे पिलर फोड़ने हैं गाइड में, क्या हो गया कुछ नहीं। देखो ना मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि हाथ खड़ा करके मुझे बताओ, मुझे किसी ने नहीं बताना, ना मुझे बताने का फायदा। ये जिनको जवाब देना है वो तुम्हारा जवाब सुन लेंगे, मुझे किसी ने जवाब नहीं देना। आज बताओ मैं सारे दिल में जवाब देना, कोई बंदा ऊंचा ना बोले आज कितनी बार हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम की दुरूद पढ़ा। लो दिल में जवाब दो, सुन लेंगे अरे जिनको देना, कितनी बार दुरूद शरीफ पढ़ेगा, आज कितनी बार अल्लाह पाक को याद किया, कुरान शरीफ खोले हो कितनी देर हो गई। इसलिए ये मामला छोड़ेंगे और अमल की तरफ आए। और जो हमारे इस्लाफ है, मैं तो अक्सर अरबाब को जुम्मे में भी कहता हूँ कि यार वो बस वो शर्म आती है और किताब में बंद कर देते हैं यार क्या थे।